एल्दौर से उमेश कुमार खगड़िया संवाददाता के अनुसार प्रखंड अंतर्गत पंचौर पंचायत के शिव मंदिर के प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण के संगीतमय कथा आयोजन ग्रामीणों के द्वारा किया गया, जिसके 5वें दिन हरिद्वार से आए बाबा बैजू शास्त्री महाराज के द्वारा प्रवचन किया गया। बाबा बैजू शास्त्री महाराज के द्वारा कहा गया कि इस भक्ति प्रेम ज्ञान यज्ञ की पावन बेला के आरंभ में व्यासपीठ के दिव्य वाणी के द्वारा कहा जाए कि इस संदर्भ में श्री मद्भागवत महापुराण कथा समाज को धर्म क्रांति में जीव को परम शांति का मात्र एक आधार है। साथ ही उन्होंने कहा कि मानव जीवन का परम लक्ष्य नर से नारायण तक की यात्रा एवं जीवन की सार्थकता इसी में निहित है। जो भागवत कथा यज्ञ हो रहा है, इसमें क्या सब व्यवस्था किया गया और कब तक हो गए? ये भागवत कथा यज्ञ है और जो कथावाचक हैं वह हरिद्वार से बैजू शास्त्री जी महाराज आए हुए हैं। यह 26 से 3 तक कार्यक्रम था, जिसमें कि आज 8वां दिन हो चुका है। 26 को कलश यात्रा के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसका जो कार्यक्रम है, सुबह में पूजन पाठ होता है, उसके बाद हवन कार्य किया जाता है, जिसमें हमारे इर्द गिर्द के जो गांव के ग्रामीण हैं, भाई बंधु हैं और गांव के भी सभी हवन कार्य में पूजन पाठ में भाग लेते हैं। कथा जो है कार्यक्रम है, पहले 1 बजे से था, अब 4 बजे से 3:30 से शुरू होता है, संध्या 8 बजे तक कथा होती है। हजारों की जनसंख्या में यहाँ कथा में और पूजन पाठ में भाग लेते हैं और झांकी भी इस 8 बजे के बाद 10 बजे 11 बजे तक जो भागवत कथा का अंश, कुछ कृष्ण अंश है, राधा राजी रानी का जो अंश है, वह झांकी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भी बहुत हमारे जो है दर्शक हैं, भाग लेते हैं, भीड़ अपार भीड़ होती है। आपका परिचय? जयचंद्र प्रसाद गुप्ता, पचौर, वार्ड नंबर 8। बताइए कितना आदमी का सहयोग मिला जय करने में और क्या सब हो रहा है? पूरे ग्राम पचौत राज्य पंचायत का जो है सभी वासी का जो है सहयोग मिल रहा है और बहुत ही अच्छा ढंग से हो रही है, जिसमें कि कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। हवन में जो है दिन में हवन होता है, बहुत मेला का रूप दिया गया है और इसमें ज्ञान का जो है बारिश हो रही है। हाँ, हर आदमी आता है और ज्ञान जो है इसका जो लेके। कब तक चलेगा? यह जो है 3 तारीख तक चलेंगे। हाँ, 4 को जो है, मेरा नाम लवल किशोर कुमार गुप्ता, राजद नेता।